नमस्कार एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर के साची स्थित भाजपा महानगर कार्यालय से स्वर्गीय अटल जी की अस्थि कलश मऊ भंडार के लिए हुई रवाना। मऊ भंडार से स्वर्ण रेखा नदी में उनकी अस्थि को किया जाएगा विसर्जित। कोल्हान के बड़े प्रॉपर्टी डीलर हरिशंकर दुबे के 3 ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह से आयकर का चला छापा। विभाग ने खंगाले सभी दस्तावेज, कब्जे में लिया कैले का जोखा। एमजीएम अस्पताल का एमजीएम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसी अखोरी ने किया आज औचक निरीक्षण। ली विधि व्यवस्था की जानकारी। अस्पताल में क्षमता से 4 गुना अधिक मरीज होने से हो रही परेशानी को किया बयां। टिस्को निबंधित श्रमिक संघ ने अपने हक और अधिकार के लिए टाटा वर्कर्स यूनियन ऑफिस में दिया एक दिवसीय धरना। मैनेजमेंट से वायदा पूरा करने की उठाई इन्होंने मांग। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में गुरुवार की रात शहर पहुंची स्वर्गीय अटल जी की अस्थि कलश शुक्रवार को साक्ची स्थित भाजपा के महानगर कार्यालय से मऊ भंडार के लिए रवाना हो गई। मऊ भंडार स्थित स्वर्ण रेखा नदी में उनके अस्थि को विसर्जित किया जाना है। अस्थि कलश के साथ भाजपा महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, राजकुमार सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मऊ भंडार पहुंचे, जहां विधि विधान के साथ अस्थि कलश का विसर्जन किया जाएगा। इससे पूर्व साक्षी स्थित भाजपा कार्यालय में रखे अटल जी के अस्थि कलश को खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि रांची से गुरुवार की रात अटल जी की अस्थि कलश शहर पहुंची थी। शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए ये अस्थि कलश श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए साक्षी स्थित भाजपा कार्यालय में रखा गया था। जाने वाले परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अस्थि भारत वर्ष के हर कोने में घुमाकर भारत को एक सूत्र में बांधने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारत के लोग कर रहे हैं, उसी के कड़ी में आज यह अस्थि कलश पूर्वी सिंहभूम जिला में कल पहुंचा। रात को आज यहां से जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला पड़ता है वहाँ जाएगा और खातुमगढ़ में स्वर्णरेखा नदी में से प्रवाह करेंगे और पूरा भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए बहुत से लोग नहीं जा पाए दिल्ली, उन्हें नमन नहीं कर पाए, उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे पाए, इसलिए पूरे क्षेत्र भंग करके उन्हें नमन और श्रद्धांजलि देने का मन कर रहे हैं। शुक्रवार को कोल्हान के बड़े प्रॉपर्टी डीलर हरिशंकर दुबे के 3 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। वैसे ये छापेमारी अहले सुबह से शुरू हुई थी, जो समाचार लिखे जाने तक जारी थी। आपको बता दें कि हरिशंकर दुबे के आदित्यपुर 2 रोड नंबर 8 स्थित आवास तथा बिष्टपुर के 2 कार्यालय में छापेमारी चल रही है। उधर ये छापेमारी इनकम टैक्स चोरी के मामले को लेकर की जा रही है। वैसे आयकर विभाग ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर, लैपटॉप और बैंक खातों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। उधर कागजात की जाँच की जा रही है। वहीं 15 सदस्यीय टीम तीनों जगह एक साथ छापेमारी की। उधर आयकर विभाग की टीम के पहुंचते ही आवास तथा कार्यालय पर अफरा तफरी मच गई। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल का आज एमजीएम कॉलेज के प्रिंसिपल ने औचक निरीक्षण किया। एमजीएम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसी अखोरी ने अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही प्रिंसिपल ने सभी मरीजों के पास जाकर उनका हालचाल भी जाना। ड्यूटी में मौजूद डॉक्टरों से अस्पताल की विधि व्यवस्था की उन्होंने जानकारी ली। अस्पताल में किस चीज की कमी है उसकी भी जानकारी उन्होंने ली। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अस्पताल में कैपेसिटी से 4 गुना ज्यादा मरीज आते हैं, उसी में सभी का इलाज करना भी हमारा ही काम है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के पास आज तक शव ले जाने वाला एम्बुलेंस नहीं है, जिसको लेकर इन्होंने MP, MLA एवं सरकार से गुहार तक लगाई है। उन्होंने कहा कि एक शव ले जाने वाला एम्बुलेंस सरकार मुहैया करवा दे तो जन कल्याण के लिए अच्छा काम हो जाएगा। जांच किए तो सभी इलाज से
जो है सब पेशेंट से पूछे, दे आर सेटिस्फाइड, दवाई मिल रहा है, जो बेड का जो भी है हमारे पास यही है, जितना मेरी हॉस्पिटल की कैपेसिटी है उससे चार गुना पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, उसी में हम लोग मैनेज कर रहे हैं। व्यवस्था जो है उसमें जहाँ कुछ सुधार की जो आवश्यकता है उसमें हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, जो जगह अवेलेबल है उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि बेस्ट इलाज हो सके। तो मॉर्चरी वैन के लिए हम लोग डिमांड किए हैं, हम लोग लिख कर दे रहे हैं कि एक मॉर्चरी वैन यहाँ पर, चाहे MP कोटा से मिल जाए, MLA कोटा से मिल जाए, चाहे सरकार की तरफ से कोई डोनेट कर दे, तो समझे कि बहुत बड़ा ये जन कल्याण होगा और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एम्बुलेंस पर पेशेंट को ले जाते हैं उसमें डेड बॉडी ले जाने में लोग ऑब्जेक्शन करता है। जमशेदपुर में टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के द्वारा अपने हक और रोजी रोटी के लिए प्रदर्शन कर अपने बच्चों का भविष्य संवारने का प्रयास किया जा रहा है, जहां अपने घर का कामकाज छोड़कर घरेलू महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हुई। बिशुपुर स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय में टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कर कंपनी मैनेजमेंट द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने की मांग की गई। इस दौरान निबंधित श्रमिक संघ के नेता मोहन पांडे के अलावे कई घरेलू महिलाएं शामिल थी। इस संबंध में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए मोहन पांडे ने कहा कि हमें आश्वासन नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। जहां पिछले 15 वर्षों से यूनियन और मैनेजमेंट के लोग हम लोगों का शोषण कर हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, आज हमारे पास नौकरी या पैसा दोनों ही नहीं होने के कारण भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस कारण हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने में असमर्थ हैं। निबंधित सभी पुत्रों की स्थायी नौकरी की मांग हम लोगों के द्वारा इस प्रदर्शन के माध्यम से उठाई जा रही है। हम लोग का एक ही मांग है भैया, शुरू से ही, कि हम लोग का नियोजन हर हाल में करा दिया जाए। पिछले 12 वर्षों से हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। उम्र तो हम लोग का अभी बचा है 44 साल उम्र, अभी 42 के हुए हैं, 2 साल अभी भी लड़ सकते हैं, लेकिन अब लड़ने के ये पर नहीं है। हम लोग का ठोस निर्णय आप लोग के माध्यम से या यूनियन के माध्यम से किसी तरह माध्यम से भी हम लोग को नियोजन दिया जाए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार, सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में एक बड़ी घटना होते होते टल गई, जहां ट्यूशन जा रही छात्रा के साथ एक युवक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। आरोपी युवक ने छात्रा को अकेला देख उसके साथ मारपीट कर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। वहीं छात्रा ने भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद झाविमो महिला मोर्चा ने पीड़ित छात्रा को लेकर साक्षी महिला थाना पहुंची, जहां आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। छात्रा ने बताया कि अमनदीप सिंह नामक युवक 7 महीने से उसका पीछा कर रहा है। शाम को वे ट्यूशन से घर जा रही थी, तभी अमनदीप बाइक से आया और उसे जबरदस्ती जुबली पार्क में ले जाने लगा। जब उसने इसका विरोध किया तो युवक ने उसे बुरी तरह से पीटा। वहां लोग इकट्ठा हो गए तो युवक भाग निकला। बताया जा रहा है कि लड़की सेकेंड ईयर करीम सिटी कॉलेज की छात्रा है, जिसे युवक ने कई महीनों से परेशान कर रखा है और छात्रा को अकेला देख उसके साथ गलत करने का प्रयास किया। वहीं घटना के बाद छात्रा काफी डरी हुई है। घटना के बाद झाविमो महिला नेत्रियों ने साक्षी महिला थाने में आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। आरोपी युवक साक्षी गुरुद्वारा बस्ती का निवासी है और आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो कुछ ही दिनों पूर्व जेल से बाहर आया है। हम ट्यूशन से आ रहे थे, एक लड़का है अमर नाम का, जो मैं से बहुत दिन से फॉलो कर रहा था मेरे को। वो मेरे को बोला कि मेरे साथ चलो। हम बोले क्यों जाए तुम्हारे साथ, हम पढ़ना चाहते हैं। 10 दिन से फॉलो कर, मेरे को पढ़ाई में परेशान करता है, हर एक चीज में परेशान करता है। मेरे घर में आके मेरी मम्मी को गाली देता है, मेरे को गाली देता है, बेइज्जती करके जाता है। कौन सा इंसाफ है? हम पढ़ना चाहते हैं, मेरे को पढ़ने दो। वो लड़का आके मेरे को मार के, दादा देखिए कैसे मार के गया। वहाँ की पब्लिक को हम बोले कि मेरा हेल्प करो। आज मेरे को मारा है, जबरदस्ती ताना खींचा करके जुबली पार्क के अंदर लेके जाना चाह रहा था। मैंने उसको बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। उसने कहा मेरे को कि मैं प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें रखूंगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा? वो लड़का अमनदीप सिंह नाम है, गुरुद्वारा बस्ती में रहता है। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स कंपनी के कॉन्वॉय चालकों ने शुक्रवार को एक बार फिर जिला मुख्यालय में न्यूनतम वेतन की मांग पर प्रदर्शन किया। इन्होंने टाटा मोटर्स प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। विगत लगभग 2 वर्षों से ये सभी कॉन्वॉय चालक अपने न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। कई दौर के बातचीत और आंदोलन के बाद जिले के उपायुक्त के द्वारा कंपनी प्रबंधन को न्यूनतम वेतन निर्गत किए जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी इस पर कोई पहल नहीं की गई। शुक्रवार को फिर से इनके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। इन्होंने इस दौरान कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश और जिले के उपायुक्त के आदेश की अवहेलना टाटा मोटर्स कंपनी के द्वारा किया जा रहा है और इस कारण से कंपनी प्रबंधन पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। आज जो हम लोग आए किसी महोदय से मिलने के लिए, बात जानने के लिए आए कि इस देश में न्यूनतम मजदूरी एक ऐसा कानून है, मजदूरों का अधिकार है। उस अधिकार को भी अगर यहाँ पर टाटा मोटर घराना जैसा जगह पर लागू नहीं होता है तो यह दुर्भाग्य की बात है ना। ये सरकार की बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है, सरकार का अवहेलना है। जिला प्रशासन को, बैठे अधिकारियों को कार्रवाई करना चाहिए। अब हमारी मांग अब यह नहीं है कि मुझे मिलना चाहिए, पहले कार्रवाई करो टाटा मोटर पर, उनके काम बंद करो, ये चर्चित जा रहा नाजायज तरीके से बंद करो, टाटा मोटर अधिकारियों को कार्रवाई करो, ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर बैठे हम लोग आए, आज डीसी महोदय से मिलेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि या तो न्याय हो जाए या फिर इसी जगह पर बैठेंगे, और अब हम लोग बैठेंगे ना तो पूरा सर समाज हमारे साथ है। जमशेदपुर में इंडो अमेरिकन सेंटर के तत्वावधान में सेंटर फॉर एक्सेलेंस सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका शिक्षण पद्धति को अपनाने पर बल दिया गया। साथ ही इसकी विशेषताओं के बारे में भी छात्रों को बताया गया। बता दें इनके द्वारा देश के पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न शहरों में इस तरह के कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अमेरिकी शिक्षण पद्धति से सभी को अवगत कराया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने कार्यशाला में शामिल होकर इसका लाभ उठाया। आंकड़ों के मुताबिक भारत से लगभग 2 लाख छात्र अमेरिका में रहकर पढ़ाई करते हैं और ये सभी इंडिया कनेक्ट प्रोग्राम के तहत ही चल रहा है। Students of our region are more orthodox, they tend to be shy, they're not forthcoming. But people see value in the expertise that we have. We have superior metal and students are extremely smart. Students of the Eastern part tend to be smarter than... Yeah, this is something that US universities often say themselves. So yeah, the idea is to, you know, push the students because the kind of diversity that Northeast demonstrates is unique to itself. No other part of India would match up to it.
And since US universities care about the story that you come with and the cultural background, I think a Northeastern student applying, or say a tribal student applying from this region, will definitely grab more eyeballs. खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज़ के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई बाबा, आई। पापा। बेटा। ठीक से रहना। हाँ, बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं, वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के सुंदर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भुरुडी गांव में बन रहे पावर ग्रिड का ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्राम सभा की अगुवाई में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन किया। पारंपरिक हथियारों के साथ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया तथा ग्राम सभा को सर्वोच्च बताया। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में झारखंड विद्युत वितरण निगम द्वारा पावर ग्रिड का निर्माण करवाया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार बिना ग्राम सभा की अनुमति के ही पावर ग्रिड का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि गलत है। जिस जमीन को और ग्रिड के लिए चिन्हित किया गया है वो खेती योग्य जमीन है। साथ ही CNT एक्ट के नियमों के तहत आदिवासी जमीन पर किसी तरह के सरकारी निर्माण कार्य से पूर्व ग्राम सभा से अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन इस कार्य में ये अनुमति नहीं ली गई है, जिस कारण से ग्रामीणों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ब्लॉक में है, उसमें गांव सभा ने कर अनुशंसा नहीं लिया है। ग्राम सभा अनुशंसा बेगर झारखंड सरकार पावर ग्रिड बनाने जा रहा है, जिसका प्लॉट नंबर है 233, खाता नंबर 142, एकड़ 7 है। ग्राम सभा उसको स्वीकार नहीं देने के लिए तब भी जोर जबरदस्ती पेशा कानून को नहीं मानते हुए पावर बनाने चाह रहे, इसलिए ग्राम सभा विरोध कर रहा है। हम किसी हालत से, हमारा ग्राम सभा सर्वोपरि है, पावर बनाने नहीं देंगे। फिर पढ़ते हैं CNT एक्ट पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए कानून के तहत, संविधान के तहत ग्राम सभा का जायज लड़ाई, इसलिए मांग करते हैं DC साहब से वह बंद करे पावर लगाने के लिए।
जमशेदपुर में दिव्यांग बच्चों को शिक्षित कर रही जीविका नामक संस्थान के साथ मिलकर शहर में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने वाली कंपनी जिसको की टीम ने दिव्यांग बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान इन बच्चों के चेहरे में गजब की खुशी देखने को मिली। रक्षाबंधन का त्यौहार करीब आ चुका है और जीविका नामक संस्थान के द्वारा शिक्षित किए जा रहे दिव्यांग बच्चों के साथ जिस्को ने मिलकर इन्हीं बच्चों के बीच इस त्यौहार को मनाया। इस दौरान जिस्को के पदाधिकारियों ने इन बच्चों को राखियां बांधी तथा उन्हें रक्षाबंधन का मतलब भी बताया। इस दौरान छात्रों के चेहरे पर गजब की खुशी देखने को मिली। जिसको जो है अपने CSR के तहत बहुत सारे कार्यक्रम करती रहती है और जीविका से कुछ समय से जुड़ी हुई है। जीविका जो है वो स्पेशल बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है और जिसको जो है उसको अपना सहयोग देना चाहती है। और खुशी का मौका है, राखी का त्यौहार आया है तो हम चाहते थे कि स्पेशल बच्चों के साथ हम ये त्यौहार मनाएं, खुशियाँ बांटें, क्योंकि बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। थैंक यू। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1,00,000 रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल ना दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर, विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास, हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास, राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें, 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष के घर पर हुए हमले तथा मारपीट की घटना के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिले के उपायुक्त से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। शुक्रवार को इनके द्वारा जिले के उपायुक्त को इस संबंध में मांग पत्र भी सौंपा गया। बता दें कि पिछले दिनों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय खां के घर पर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा हंगामा तथा मारपीट की गई थी, जिसके बाद मामले को स्थानीय थाने में दर्ज करवाया गया था और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जिला कांग्रेस ने इस मामले को गंभीर बताते हुए इसके उच्च स्तरीय जाँच और त्वरित रूप से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई है। इस संबंध में इनके द्वारा जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया। RSS के कुछ नामों पर जो वहाँ पर पथराव करिए या उनके घर पे घर में महिलाओं के ऊपर जो अभद्र व्यवहार किया गया है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन को भी धत्ता बताया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि इस शहर में माहौल को बिगाड़ा जाए।
शहर के अमन चैन को बहाल करने के लिए हम लोग प्रशासन और एसपी साहब से मांग करने आए थे कि कोई भी हो, इसमें पार्टी की बात आए तो पार्टी के लोगों को ऊपर भी कार्रवाई किया जाए, और जो शरारती तत्व इस तरह से शहर की विधि व्यवस्था को भंग करने का काम कर रहे हैं उस शरारती तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर में वुमेन्स कॉलेज के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन कर मेहंदी प्रतियोगिता के माध्यम से पर्यावरण को जीवित रखने का प्रयास किया गया। सभी छात्राएं हरियाली का संदेश अपने पहनावे के माध्यम से देती नजर आई। बिष्टुपुर स्थित वुमेन्स कॉलेज परिसर में बीएड डिपार्टमेंट के द्वारा सावन के अंतिम सप्ताह में सावन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने हिना की लाली को मौजूद शिक्षिकाओं के हाथों में उकेरा तथा इस अवसर पर सभी छात्राएं एवं शिक्षिकाएं हरियाली का संदेश देने के लिए ग्रीन कलर की पोशाक पहनी हुई थी, जहाँ छात्राओं ने कैटवॉक के माध्यम से अपनी प्रतिभा को मौजूद लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। झारखंड की संस्कृति पर जमकर उन्होंने मस्ती भी की। इस संदर्भ में मौजूद शिक्षिकाओं का कहना है कि सावन में हम पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये मेहंदी और सावन दोनों के बीच बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सावन मतलब एक महिलाओं का अपना एक हक होता है, ठीक है, जब नई नई दुल्हन घर आती है तो सावन में मैकेज आती है, झूला लगता है, मेहंदी लगता है, हरा सावन सीढ़ी बनते, चूड़ियाँ हरी हरी होनी चाहिए और बहुत सारे गिफ्ट मिलता है। उसी बीच राखी का त्यौहार भी आता है, दोनों का त्यौहार एक साथ मनाते हैं और अच्छा तो लगता है, खास करके मेहंदी लगाना, झूला झूलना, हरा हरा पूरा क्या बोलेगा वेशभूषा रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हों तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।